हम दोनों आज दूसरे काम पे निकले हैं। तो एक्चुअली गाइज, आज आयांश हमारी जो राष्ट्रपति आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देवघर में आ रही हैं। तो आज देवघर का माहौल कुछ अजीब होने वाला है, खुशनुमा होने वाला है, बहुत सुंदर बनने वाला है। गाइज, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो अभी हम लोग नहीं बताएंगे, वो सब सरप्राइज है। हाँ, और वो सरप्राइज है, हाँ, हो रहा है, सब लोग बताएंगे। तो आज हम लोग सुबह थोड़ा लेट हो गए आहना के कारण, आयांश के कारण, तो हम लोग नहीं निकल सके मॉर्निंग वॉक में। तो आज हम लोग बाइक से निकले हैं, सॉरी स्कूटी से निकले हैं। तो आज हम लोग सब देखेंगे कि हमारी जो राष्ट्रपति आ रही है वो कहाँ कहाँ रुकेंगी, कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो आयांश सर, मैं आज का ब्लॉगिंग वहीं से होगा। तो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। देख रहे हैं ना सारे पुलिस लोग कितने अलर्ट हैं, सारे लोग खड़े हैं, अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है सारी, और सारे अलर्ट हैं। हमारी राष्ट्रपति जी कब आएंगी, कितने बजे का टाइमिंग है? 10 से 11 बजे का उनका समय है, और वो इसी रास्ते से जाएगी जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। क्या लियो आयांश? बस इसको तो यही इस पे दे दो, जिंदगी गुजर जाएगा इसका, खाना पीना तो ना दो तो चलेगा। मैं घर आ चुकी थी, आने के बाद पापा थोड़ा सा मतलब जल्दी उठ गए थे पापा को, तो हम लोग जल्दी फटाफट पापा को भेजना था, तो हम लोगों ने भेज कर उसके बाद आना भी रोने लगी। तो मैं सोची चलो आना को भी सुला देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि मैं घर आ चुकी हूँ। तो वैसे हम लोग तो कब के आ चुके थे घर। अब आयांश भी अपना मैगी खा चुका है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के पूजा वूजा करके फटाफट यूँ आपके पास फिर से मिलती हूँ, ठीक है? तो लेट ना करते हुए सबसे पहले मैं अपने पूजा कम्प्लीट कर लेती हूँ। बाय। तो गाइज, मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था, बाबू का एक फ्रॉक मंगाया है, और ये बहुत ही सस्ता है, ये मात्र 180 रुपीज़ में। ये देखो 180 रुपीज़ में एक बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक मैंने देखा था, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। तो ये अब हम लोग खोल के देखते हैं कि ये कैसा है। सच में 180 रुपये में बच्चे का कपड़ा मिल सकता है, या फिर तो बस ये जैसे मन तैसा वाला कपड़ा आ गया है। तो देखते हैं इसको कैसा है ये, बाहर से तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस ये कुछ ऐसा है, आई थिंक ये बड़ा हो जाएगा बाबू को, है ना? है तो ये बहुत प्यारा, लेकिन ये बाबू को बड़ा हो जाएगा, और बेबी को पहना सकते हो आप, क्योंकि अंदर वाला भी जो कपड़ा है ये ज़्यादा हार्श नहीं है, ये सॉफ्ट ही है, तो बेबी के स्किन को भी हार्म नहीं करेगा। स्कर्ट के अंदर भी एक कपड़ा दिया है, उतना ज़्यादा तो ये सॉफ्ट नहीं है, पर ठीक है, चल सकता है, इतना पहन सकता है बेबी। तो ओवरऑल ये अच्छा लगा हमको, मतलब 200 में के लायक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 200 में ऐसा फ्रॉक मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जब अभी तो आना सो रही है, तो जब ये जग जाएगी तो हम लोग उसको ये पहना के देखेंगे कि ये कैसा लगता है। मैं और आयांश और श्रुति आज आहना को न्यू ड्रेस ऑर्डर की थी श्रुति, तो आहना का ड्रेस आ गया है, आयांश का भी आ गया है। तो अभी तो आयांश का कपड़ा ठीक है, लेकिन आहना को देख के गाइस आप लोग हंसना मत, आहना को देख के आपको हंसी आने वाली है। तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ आहना को कि कैसी लग रही है पहले। तो गाइस बोलो, तो गाइस अभी आहना का ड्रेस आ चुका है, बस
आप लोग हंसे ना मत। और वो जो हंसी आने वाली आना जो पहन चुकी है, तो हम लोग दिखलाते हैं आना को कैमरा में। कैसा ड्रेस है आना का? आना का कपड़ा बह रहा है वैसे नहीं ना, देखिए गाइस, देखिए देखिए देखिए, आना इसमें डूब चुकी है बुरी तरीके से। पूरी तरह गाइस ये ड्रेस आना को बहुत बड़ा आ गया है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको रिटर्न ही कर देते हैं, क्योंकि आना को उतना बड़ा होने में भी बहुत समय। और आयांच बेटू, तो आना डूब गई है इस कपड़े पे, देखिए ये रहा आना को कितना हो रहा है। तो फिलहाल आना का मैंने जो ऑर्डर किया है वो 0 से 3 भाई ऑर्डर किया था, पर गाइस ये गाइस ये नहीं ऑर्डर की थी, मैं क्या था मैं ओ आयांच किया था। वाह वाह, कितने लगे आयांच? 200 ओ 200, यही किया यही किया है आयांच ही किया था अपनी बहन के। थैंक यू भैया, वाह आना का बहुत प्यार झलक रहा है। लेकिन आना पे ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, भले बड़ा हो गया हो लेकिन बहुत बड़ा हो गया, जो बॉडी पे तो बैठ ही नहीं रहा उसका। हाँ तो हम लोग लगता है कि इसका ड्रेस खोल देना चाहिए, काफी कंफर्टेबल नहीं है, इसको रिटर्न भी करना होगा। तो तुम मंगवाए थे तो क्या हुआ? लेकिन आपसे छोटा मंगवाऊंगा, आपसे छोटा मंगवाना भाई, ठीक है इतना बड़ा नहीं मंगवा लेना। ये देखिए मेरा कपड़ा, तो ये रहा आयांस का भी कपड़ा आया हुआ है, आयांस का भी कपड़ा जो आया है, लेकिन वो भी थोड़ा सा ग्रीन वाला है, देखो सारे कलर के साथ है। अच्छा एक और है, ये पैंट है ना उसका, वो टी शर्ट था, तो आयांस का भी कपड़ा आया हुआ है। आयांस का आया, आयांस इधर आओ। यस, तुम कुछ बोलना चाहो कि जब ऑर्डर करो तो क्या देखना चाहिए, साइज वगैरह? अगर आप अपने बच्चे लोग तक जब कपड़ा ऑर्डर करते हैं, हाँ? हैं। हाँ? तो एक बार जरूर देख लीजिए करिए कि वो बड़ा है या छोटा, ठीक है समझ गए? तो बड़ा भी मंगवा सकता है, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो बड़ा भी मंगवा सकते हैं, छोटा भी मंगवा सकते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो ठीक। तो गाइस अभी हम लोग टाटा शोरूम आए हुए हैं, टाटा सफारी का सेकंड सर्विस है, तो उसको सर्विसिंग करवाने हम लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग ये टाटा शोरूम, तो सर्विसिंग करवा के आप लोग से मिलते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमारे गाड़ी का सर्विसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी उन्होंने वेटिंग कर ही रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, कब तक घर जा पाते हैं। ये दोनों भाई बहन यहाँ खेल रहे हैं बेचारा मोलू, मेरी मोलू, मेरी मोलू, क्या कर लिए मेरी मोलू? ये रहे कटप्पा हमारे घर आए हुए हैं, और ये रही दीदी, आहना की मालिश हो रही है, आहना मालिश कर रही है, अंकू खेल रहा है क्योंकि इसका फ्रेंड अभी घर पे नहीं है, और पापा भी आ गए हैं। श्रुति, श्रुति क्या कर रही हो? आम छील रही हो? इसका बनेगा मीठा वाला अचार, हाँ। किसी को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो देखते हैं खाने मिले कुछ कुछ। तो श्रुति देख रहे हैं, आम पहले से ही हम लोगों ने थोड़ा सा छिलवा के लाया, कटवा के लाया था, ये अचार सेप में ही कटवाना होता है, और उसके बाद फिर इसका जो ये छिलका होता है ना, इसको निकाल दिया ना, निकाल दिया जाता है। क्या हुआ? ओ माँ श्रुति, अभी मैं कुछ ही देर पहले बोली थी ना कि चलो देखती हूँ श्रुति कैसा काम कर रही है, तो देखिए श्रुति ऐसा काम कर रही है, श्रुति ऐसा काम कर रही है, देख लिए हला है इसमें, तो आदमी का हलाल कर दोगी। फिलहाल श्रुति को काम करने के लिए देते हैं, और देखते हैं जब पूरा फिनिश हो जाएगा तो फिर बनाने का प्रोसेस भी हम लोग बनाने का, मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, और जब ये बनाने वाला प्रोसेस आ जाएगा तो फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है? तो अभी आहना बहुत मजे से खेल रही है, आहना को इसी में मजा आ रहा है, स्माइल देखो, इसकी स्माइल देखो, सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा शैतान बच्ची है, पूरी शैतान की नानी है, ये पूरी शैतान की नानी है, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, अब इसको क्या क्या दिखेगा, अभी पैरोट दिख गया,
तो फिलहाल जाती हूँ मैं चाय बनाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस पे मिलेंगे। के जी मेरा आम है तो 1 kg हमको गुड़ भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ढेले वाले गुड़ लिए हूँ और ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो गीला वाला गुड़ नहीं लिया हम लोगों ने, ये वाला गुड़ लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा उबाल जब, ये जो ऐसे बनता है ना बहुत टेस्टी लगता है देखने में, ये उबाल जब आ जाए तो सारे इसको ना डाल देना है, ठीक है, सबको डाल दो। जब हमका मिल जाए ये पूरा तो फिर जो पीस के रखे थे काला नमक, हल्का सा काला नमक, काला नमक ये कोई भी नमक डाल सकते हो आपके मन पे, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अरे क्या बोले, श्रुति को टारगेट मिला था, अरे आम हार्ड था ना, आज ममता दीदी फायर है श्रुति पे, क्योंकि ममता दीदी का वो जो छिल रही थी जिससे वो श्रुति तोड़ दी, ममता दीदी पूरा फायर है। क्या बोली, क्या बोली ममता दीदी, ममता पूरा एकदम श्रुति को छोड़ेगी नहीं, बोली कि जब तक आप लेके नहीं आइएगा तब तक हम कोई चीज नहीं छिलेंगे। अब ये हो गया है, अब इसको हल्के से ना आँच में इसको ढक के छोड़ देना है ताकि ये जो है हल्का हल्का पकेगा, और जब ये हो जाएगा तो फिर ये डाल देंगे, और उसका कुछ एक दो प्रोसेस है वो अब खाने के बाद आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी है और हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, भागो। तो गाइस अभी हम लोग का रात का डिनर हो चुका है, और हम लोग ने खाया चिकन, और मामा लोग ने खाया खट्टा खट्टी आम चटनी चटनी, हाँ गलती हो जाता है।